हाय दोस्तों, बचपन गया हंसते हंसते, जवानी आई खूबसूरत बनते बनते, उम्र दहलीज पर आई जब, न जाने क्या हुआ होगा ये तो पता नहीं। बचपन में रोते थे, माँ आके मनाया करती थी, जवानी में माँ से लड़ते थे, माँ डांट कर चुप कराती थी। माँ की बातों में इतना प्यार था, डांटने पर भी सुकून सा महसूस होता, दौड़ के जाके माँ के आंचल में बैठकर ही रोते। माँ फिर पुचकारते हुए, सर पे हाथ फिराते हुए, सीने से लगा कर कहती, रोया ना करो बेटी, मैं हूं ना अभी। बचपन में हम शरारत करते, माँ गोद में उठाकर डांटती, बड़े होकर शरारत किया, माँ डांट कर सीने से लगाती। अब हम दहलीज पर पहुंच गए, हमें दुल्हन बनाकर सजा दिया, फिर दूसरों के घर भेज दिया, पर माँ के कलेजे में क्या बीता होगा, अपने टुकड़े को अपने कलेजे से अलग करते हुए, यह तो माँ ही जानती है। रीति और रिवाज की यह रीत है, छोड़ तो कोई नहीं सकता। माँ जन्म देती है, पापा दुलार करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर गैरों के घर ही क्यों भेजते हैं, जाकर वहां का घर संभालते हुए अपने ही घर को भूल जाया करते हैं, उस आंगन को भूल जाते हैं जिस पर खिल खिलाकर हंसते, दौड़ दौड़ कर मुस्कुराते, अपने सभी दोस्तों से उछल उछल कर खेलते, कभी राजी करते उनको खेलने के लिए, कभी हम रूठ जाते, पर अब सब बदल गया। यह आंगन इस कदर संभालना पड़ता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई तपाक से बोल ना दे। माँ बोलती तो अच्छा भी लगता, पर यहाँ डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। घर तो घर ही होता है, दोनों घर में अंतर क्यों। जैसे जैसे दिन ढलता है, समय गुजरता है, वैसे वैसे यह घर अपना हो जाता है, माँ पापा का घर पराया हो जाता है। तब माँ पापा अगर कुछ बात बोल दे, बड़ा दुख होता है, तब कहते हैं, बेटिया ससुराल में भले ही सूखी रोटी खा लो, सुकून का जीवन बीतता है, मायके में अच्छा खा लो, पर मायके वाले जब बोलते हैं दिल टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या यही विधि का विधान है, बेटी हमेशा पराई ही मानी जाती है। बेटी को जन्म देते हैं, लाड़ प्यार से पालते हैं, फिर बेटी जाकर दूसरों का घर सजाती है, कहते हैं ना, इतना तकलीफ करके पढ़ाया मुझे पापा आपने, अपना सब कुछ निछावर करके माँ, प्यार किया मुझे आपने, भेज दिया मुझे गैरों के घर में, जो पढ़ लिख कर मैंने नौकरी की, मुझे जो अब अर्जाना मिलता है उसी घर में खर्च करती हूँ, जिन माँ बाबा ने मुझे इतनी तकलीफ से पाल पोस कर बड़ा किया, उनके लिए तो मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा। घर में देने जाऊं तो कहते हैं मुझे भार लगेगा, मुझे तो स्वर्ग पहुंचना है, क्यों मुझे ऋणी बना रही हो बेटी। मन तब रोता है जब माँ पापा दोनों ने मुझे बड़ा किया, इस दुनिया को दिखाया, मुझे घर से विदा कर दिया, इतनी खुशियाँ दी, उन्हीं माँ बाबा को
मैं चंद खुशियां नहीं दे सकती। हे विधाता, यह कैसा नियम है। यही कहते हुए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।